अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। प्रवन न्यूज महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडल के तहत एसटी कामगारों को संयुक्त कृति समिति के कामगारों ने अपने विविध मांगों के लिए राज्यव्यापी बेमुद्दत अनशन जारी किया है। इस बेमुद्दत अनशन में कंडक्टर ड्राइवर ने ये भी शामिल होते हुए आज यहाँ के लाल परी यानी बस को पूरी तरह से बंद करते दिखाई दिए, जिसके कारण यात्रियों को बड़े कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यहाँ पर आज जाने वाले तीज त्योहारों को नागरिकों की आज बड़ी परेशानी दिखाई दी, तो वहीं पर कई डिलीवरी पेशेंट के रिश्तेदार और कई मरीजों के रिश्तेदार यहाँ दिखाई दिए, वो गाड़ियों के लिए परेशान थे, जिसके कारण यहाँ पर जो फोर व्हीलर गाड़ियाँ थी ये यातायात करती हुई दिखाई दी और वो औने के पौने रकम लेते हुए दिखाई दिए, और उसी के साथ साथ ऑटो का भीड़ भी यहाँ पर ताकदार लगाई दिखाई दिया। ये भी लोग आजू बाजू के अतराफ के देहात में ले जाने के लिए यात्रियों से बड़ी दुगनी चौगनी रकम लेने की तैयारी में दिखाई दिए। एसटी के कर्मचारी कामगारों का यह कहना है कि जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं होंगी हम नहीं उठने वाले, और उसी में शामिल होते हुए कंडक्टर ड्राइवरों का भी कहना है कि हम बेमुद्दत अनशन में ही जारी रहेंगे। तीज त्योहारों के दौरान ये हादसा देखते हुए, ये माहौल को देखकर नागरिक परेशान दिखाई दे रहे हैं। अब प्रशासन इनकी मांग कब पूरी करता है ये आने वाला समय ही बताएगा। एसटी महामंडळ बंद है, बस बंद है, संप आहे त्यांचं। आता तुम्ही कशाने जाणार? कशाला तरी जाव, काय करावं घेतलं त्याला जाव, आता ऑटो घेतला ऑटोने जाव, नाही तर बस थोडं जाव। असं का? परंतु बस बंद होण्यामुळे आता संपामुळे आता तुमचं ते हाल व्हायले, तुम्ही शासनाला आता काय करावं? मुलीला आणायला जायचं होतं, शेख मुलीला आणायला जायचं होतं, दिवाळीच्या ह्याच्यात ना? हा, दिवाळीच्या होगा ना। परभणी शहर में राज्यव्यापी जो एसटी महामंडळ के कर्मचारियों का और कामगारों उसका पहला फटका आज 28 तारीख को दिखाई देता है कि यहाँ पर जो यात्री आ रहे हैं उन यात्रियों को किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, जबकि उन्हें ये पता ही नहीं कि यहाँ पे जो तो व्यापी बेमुद्दत अनशन लगा हुआ है। दूर से आ रहे हैं, भीड़ के कोई हैं तो कोई बसमार मानो, और हम देखते हैं कि ये आज एसटी महामंडल बंद होने के कारण आज जो खानगी बसेस है, कार है, जीप है, ये इन लोगों का जब मजेमारी हो रही है। आज देखते हैं हम बस स्टैंड पे फोर व्हीलर गाड़ियाँ फिर रहे हैं, ये फोर व्हीलर गाड़ियों को आज तो इनका त्यौहार ही आ चुका है ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि कामगारों ने जो एसटी महामंडल के ऊपर जो बेमुद्दत संप पुकारा है उसमें इनका फायदा हो रहा है। जिस तरह कोरोना में का फायदा हुआ है, दवाखाने का फायदा हुआ है और आम जनता परेशान हुई है, उसी तरह आपके इस हालत में यात्री परेशान दिखाई दे रहा है, ऑटो वाले और फोर व्हीलर वाले मजे में दिखाई दे रहे हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मंत्री अशोक चौहान इनके जन्मदिन के अवसर पर आजम खान मित्र मंडल ने जिला अस्पताल में खिचड़ी बांटकर मनाया अपने नेता का जन्मदिन। आज तारीख 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार के रोज राज्य के सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक रावजी चौहान के जन्मदिन के मौके पर फजूल खर्ची ना करते हुए जिला सरकारी अस्पताल के जरूरतमंदों को 2 क्विंटल खिचड़ी बनाकर बांटी गई। आजम खान मित्र मंडल के सर्वसर्वा एवं परभणी शहर जिला युवक कांग्रेस के महासचिव आजम खान इनके हाथों ये बांटने का कार्यक्रम रखा गया था। इस समय डॉक्टर अनिफ खान, रशी देशमुख, अनमोल देशमुख, मुरली मामा, अहरम इनामदार, मुजीबुर रहमान, असरार कुरैशी, उसी के साथ शेख इस्माइल, बबलू सरोदे, सैयद नईम, सैयद इमरान, बबलू चाउस खान, मंजूर खान के अलावा आजम खान मित्र मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। अलहाज मरहूम हाजी अब्दुल रहमान खान साहब एमएलए जो साबिका रह चुके थे, उन्हीं के पोतरे आजम खान, इन्होंने आज अपने आजम खान मित्र मंडल की ओर से सिविल हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल में 2 क्विंटल के खिचड़ी का दम देकर यहाँ के ज़रूरतमंद लोगों की उनकी भूख की जो ज़रूरत थी ऐसे ज़रूरतमंदों को जो तो यहाँ पर लाकर बांटा, और बांटने का वजह यह है कि आज यहाँ पर बांधकाम विभाग के जो मंत्री अशोक चौहान इनके उपरांत उन्होंने सालगिरह के दौरान आज यहाँ 2 क्विंटल की खिचड़ी की बांटने का जो तो प्रोग्राम रखा सिविल हॉस्पिटल में। आइए हम उनसे जानते हैं इनकी जो प्रेरणा है मित्र मंडल की तरफ से, आजम खान मित्र मंडल की ओर से आज उनके सर्वसर्वा से हम मालूम लेते हैं कि भाई आपने जो योजनाएँ की इसका पूरी जानकारी हमारे व्यूअर और दर्शकों को दीजिए। मैं युवक कांग्रेस का महासचिव आजम खान, और आज हमारे साहब आदरणीय अशोक राव जी चौहान साहब की वार्ड दिवस है। वार्ड दिवस पर हमारे वरपुड़कर साहब के नेतृत्व में, वरपुड़कर साहब के आदेश पर खिचड़ी वाटप का प्रोग्राम किया गया है मेरे मित्र मंडल की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से। साहब की बर्थडे पे अच्छा एक तोहफा यही देना चाहते हैं कि जो गरीब जनता तक, जिस तक जो सिविल हॉस्पिटल में आती है, जिस तक खाना नहीं पहुंच पाता, जिस तक पानी नहीं पहुंच पाता, उस तक खाना पानी का इंतज़ाम साहब की बर्थडे पे अवसर पर किए है। यही मैं समझता हूँ कि साहब को जाके पुष्प गुच्छ देने से अच्छा साहब के नाम पे ये प्रोग्राम लेना ये ज़्यादा अच्छा है, इसलिए मैंने एक छोटी सी पहल किया हूँ। और आप सभी लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत मेरे आजम खान मित्र मंडल के शुक्रिया, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ऐसे बहुत प्रोग्राम चलते रहेंगे।
पहले से ही करते आए हैं। अलहाज अब्दुल रहमान खान साहब जो मेरे दादा है उनके उस पर नक्श कदम पर चल रहा हूँ। बस आप लोगों की दुआ चाहिए और इंशाल्लाह ऐसे ही आप सपोर्ट रखिए और दुआ करिए और ऐसे ही प्रोग्राम जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी गरीबों को मजलूमों को वहाँ हम खड़े रहेंगे और इंशाल्लाह उनके लिए कंधे से कंधे मिलाकर उनके पीछे खड़े रहेंगे और कामा करा के लेंगे इंशाल्लाह। आज़म खान मित्र मंडल की ओर से आज जो प्रोग्राम लिया गया खिचड़ी वाटप का कार्यक्रम, ये इस्लाम में भी ये बताया जाता है भूखे को खाना खिलाना ये सबसे पहला अफजल काम है और सवाब का काम है। यही नक्शे कदम को लेते हुए और वही आदर्शों को लेकर आज आज़म खान मित्र मंडल के सर्वसर्वा आज़म खान ये और उनके यूनिट सदस्य पदाधिकारी ये सब आज सिविल हॉस्पिटल में आकर उन्होंने जो एक पैगाम पहुंचाया है इंसानियत का पैगाम, और वो भी इस माहौल में जहां पर अशोक राव जी चौहान इनके जन्मदिन पर उन्होंने फूल पुष्पमालाएं ले जाने के बजाय उन ज़रूरतमंदों को खिचड़ी वाटप करने का एक बेहतरीन उपक्रम किया है। ये आने वाले समय में ही इनको इसका बहुत बड़ा मुआवजा मिलेगा। ये ऊपर ये बताया जाता है कि आखिरत भी और दुनिया में भी ऐसे काम किए जाए जो कि लोगों के काम आए, और ये ख़ानदान से वही होता आया है। हम देखते हैं कि अब आज़म खान मित्र मंडल आगे किस तरह से काम करता है, ये हम आप हमारे दर्शकों को और व्यूअर्स को बताते चलेंगे। कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी और सांसद डॉक्टर फौजिया खान इनके तहत और परभनी जिला कलेक्टर आंचल गोयल इनके मार्गदर्शन पर आधार कार्ड कैंप क्वींस स्कूल नानखेड़ा रोड पर लिया गया। ये कैंप नए आधार कार्ड बनाकर देने को लेकर और पुराने आधार कार्ड में बदलाव लाते हुए इस उद्देश्य से लिया गया। इस समय 27 बच्चों ने अपनी नोंद दर्शाते हुए आधार कार्ड दिए गए। इस समय क्वींस स्कूल के प्रिंसिपल अर्शिया महराज मैडम, मेघा तड़ेजा, जिला कलेक्टर ऑफिस महा आईटी सेल के नीरज धामन गावे, वरिष्ठ सहायक नरेंद्र अड़गा कर, जिला समन्वयक अतुल, आधार केंद्र चालक शेखर वजोरकर, मानिक धबड़े, शेख असलम, इन्होंने इस कैंप के लिए मेहनत ली है। कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ इन्हें परभणी के कामगार कार्यालय के विविध समस्याओं पर लेकर एमडीओ संगठना ने दिया निवेदन। मुंबई मंत्रालय में सांसद फौजिया खान इनके साथ माइनॉरिटी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन संगठना के जिला कार्याध्यक्ष शेख उस्मान शेख इस्माइल, कार्यकर्ते शेख यामीन पटेल, इन्होंने कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ इनसे मुलाकात करते हुए परभणी सरकारी अधिकारी कार्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाराष्ट्र बिल्डिंग और अन्य बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडल परभणी यहाँ के नोंद और नूतनीकरण और विविध अर्थ सहाय देय लाभ विहित मुद्दत में नहीं किए जाने की जानकारी देते हुए ऑफलाइन तरीके से प्रलंबित रहे विविध अर्थ सहाय देय लाभ निकाले जाए ऐसा कहने पर कामगार मंत्री इन्होंने संबंधित अधिकारियों को इस मांग को तुरंत बताते हुए छुड़वाने के आदेश जारी किए हैं। इस पर एमडीओ संगठन ने अपना खुशी जाहिर की है। बस स्टेशन के सामने एसटी कर्मचारियों ने तारीख 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार के रोज अनशन जारी किया है। इस अनशन को सामाजिक कार्यकर्ता सकाराम बोबड़े पड़ेगावकर और हबोप शिवाजी महाराज बोबड़े इन्होंने मिलकर समर्थन दर्शाते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। आज परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड़ आगाराच्या समोर गंगाखेड़ एसटी महामंडळाच्या आगारातील कर्मचारी आपल्या वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी घोषणाला बसले आहेत। सर्वात उत्तम त्यांची मागणी म्हणजे एसटी महामंडळाचं शासनामध्ये विलीनीकरण करणे आणि इतर मागण्या त्यांच्या आहेत। या सर्व न्याय मागण्या असून त्यांच्या या मागण्याला परभणी जिल्ह्यातला एक कार्यकर्ता म्हणून मी आपला जाहीर पाठिंबा व्यक्त करतो। माझ्यासोबत आमचे सहकारी भागवतकार हबोप शिवाजी महाराज बोबडे आणि आम्ही या उपोषणाला जाहीर पाठिंबा व्यक्त करतो आहोत आणि शासनाला विनंती करत आहोत की या खरोखर खूपच अडचणीत असलेल्या या कामगारांच्या मागण्या आपण तात्काळ मान्य कराव्यात आणि आतापर्यंत ज्या काही दुःखद घटना झाल्या तशी या कर्मचाऱ्यावर आत्महत्येची वेळ किमान परभणी जिल्ह्यातल्या कर्मचाऱ्यावर तरी या सरकारनं आणू नये अशी मी विनंती असं आवाहन या सरकारला करतो आणि थांबतो। धन्यवाद। परभणी शहर स्थित मखदुमपुरा मस्जिद के पीछे फैजान हक उर्दू प्राइमरी स्कूल में छोटे बच्चों के आधार कार्ड बनाने के लिए 2 दिन का कैंप रखा गया है। जिला कलेक्टर आंचल गोयल इनके आदेश पर और सांसद फौजिया खान इनके मार्गदर्शन पर यह कैंप का आयोजन किया गया है। जिन बच्चों के आधार कार्ड बनाना है वह परभणी के फैजान हक प्राइमरी स्कूल में आकर आधार कार्ड बनवा ले ऐसा आह्वान किया गया है। हाफिज़ काजी मुहज़्ज़िबुद्दीन साहब ने कोशिश की कि फौजिया मैडम से बात की, उन्होंने एमएलसी उनसे बात कर यहाँ पर सेंटर लाकर कायम करे और जो भी जितने यहाँ पर बच्चे आए भी जिनके अभी तक के आधार बने नहीं थे और वो परेशान थे आधार बनाने के लिए और कोरोना की वजह से उनके वालदैन आधार सेंटर तक नहीं लेकर जा रहे थे उनको, तो सारी सहूलियतों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर आधार का काम चालू है
और जो कोई भी अभी आधार बनाना चाहता है, जिसके अभी छोटे बच्चे बाकी है आधार के, जिसका अभी तक नहीं बना, तो अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान हक उर्दू प्राइमरी स्कूल में आधार बनाने का काम चालू है। परभणी में बढ़ती धूल का बंदोबस्त करें मनपा आयुक्त को सकल मराठा क्रांति मोर्चा ने दिया निवेदन। परभणी शहर के तमाम मेन रास्तों पर धूल ही धूल दिखाई देने से नागरिकों के स्वास्थ्य पर बनाई है। सभी इलाके धूलमय बने हुए हैं। ऐसे आयुक्त लाने की भूल शहरों के नागरिकों के मुंह में डाल रही है धूल ही धूल, ऐसा कहते हुए नागरिक दिखाई दे रहे हैं। स्कूल में जाने वाले छात्रों के हो या फिर ऑटो या पैदल चलने वाले फिरने वाले नागरिकों के इस धूल के कारण हानिकारक बन गई है। धूल का इंतजाम 8 दिन के भीतर करें, वरना आयुक्त के कैबिन में शहर की धूल लाकर डाले जाएगी, ऐसी चेतावनी दी गई है। साथ निवेदन में कहा है कि मनपा आयुक्त शहर के रास्तों पर पैदल फिरकर देखे और शहर का समस्याओं के जायजा ले। ये ऐसा निवेदन में मराठा क्रांति मोर्चा की ओर से मनपा आयुक्त को दिए हुए आज तारीख 28 अक्टूबर 2021 गुरुवार को दिए गए निवेदन में कहा गया है। इस समय किशोरराव रनेर, विजय जाधव, माधव चिटे, गजानन जोगदंड, बालाजी मोहिते, किरण शिंदे, गितेश देशमुख, बिट्टू दातार, आकाश कदम, राज ताटे, हनुमान मोहटे, अमोल गुड़वे, देवेंद्र देशमुख, भैया कानड़े, अमोल गिलवड़कर, अमित पाटपोर, रवि घायाल, रवि तांबे, गंगाधर मोहिते, निखिल बोकन, आकाश मोरे, विजय सिंह के साथ पदाधिकारी कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हाजिर थे। आज परभणी येथे आपण आयुक्त साहेबांना परभणीच्या मनपाच्या धुळीच्या संदर्भातलं एक निवेदन दिलेलं आहे। परभणीमध्ये धूळ एवढी झालेली आहे त्यामुळं सर्वांचं आरोग्य धोक्यात आलेलं आहे। सर्दी होणे, व्हायरल होणे, ताप येणे आणि धुळीमुळं एवढं म्हणजे व्हायरलचं प्रमाण वाढलेलं आहे। जेल कॉर्नर ते नानलपेट एरिया असो, आपणा कॉर्नर असो, एस पी ऑफिस ते जुनापेडा खानापूर फाटा असो, जुना बेडगाव रोड असो, जिंतूर रोड असो, वसमत रोड असो, प्रत्येक ठिकाणी जा धुळीचं एवढं साम्राज्य झालेलं आहे। आणि लहानपणी आमच्या महिला झाडायच्या, आता झाडणं बंद झालं। आयुक्त साहेब म्हणतात की महिला झाडत आहेत म्हणून, आम्ही आयुक्ताला आयुक्त साहेबाला सांगितलं की आम्ही दाखवून देतो तुम्हाला महिला कोणी झाडत नाहीत म्हणून। जर 8 दिवसामध्ये आम्ही त्यांना आवाहन केलेलं आहे, धुळीचा जर बंदोबस्त झाला नाही आणि जर नागरिकांच्या ज्या शारीरिक आणि ह्याच्याशी खेळला तुम्ही, तर आम्ही नक्कीच ही धूळ तुमच्या कार्यालयामध्ये आणून टाकल्याशिवाय राहणार नाही। मराठा क्रांती मोर्चा व समस्त परभणीतील त्रस्त नागरिक जे धुळीना आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही आज आयुक्त साहेबांना भेटून निवेदन रीतसर दिलेलं आहे। जर तुम्ही या पद्धतीनं काम 8 दिवसामध्ये केलं नाही, तर आम्ही नक्कीच धूळ ही तुमच्या कार्यालयामध्ये आणून फेकल्याशिवाय राहणार नाही। जय शिवाय। परभणी तहसील के आंगनवाड़ी ताइयों को आंगनवाड़ी में लगने वाली सामग्री, अत्यावश्यक वस्तुएं जैसे शतरंजी, अन्य सामग्री दी गई। इस समय आंगनवाड़ी संगठन के आवरगण इन्होंने आंगनवाड़ी ताइयों को मार्गदर्शन करते हुए क्या कहा, आइए जानते हैं। प्रत्येक घरी तुम्हारा जे व्यक्ति जे म्हातार 60 वर्षाच्या वयस्कर आहे त्यांचा सर्वे करायचा। कोरोनाचा तुम्ही सर्वे केला, कोरोनाचं इमानदारीने काम केलं, अभिमान आहे मला। आपल्याला बरेच जण म्हणजे तुम्ही लस घेतली का, लस घेतली का? आमच्या लस घेऊन किती वेळ झाले आपल्याला, वर्ष होते आता, वर्ष पहिली झाली, दुसरी झाली, झाली का नाही? मग आम्ही म्हणलो आता तुम्ही आम्हाला शासनाने आम्हाला पहिल्या केली, दुसरी देशी केली, बरोबर आहे का? कर्मचाऱ्यांना तुम्ही शासनाचा कर्मचारी, केंद्र सरकारचा असो का राज्य सरकारचा असो, या सगळ्या कर्मचाऱ्यांना तुम्ही वेतन लावता। 5वा लावला 6वा लावला 7वा लावला का राहिला? कर्मचारियों का राज्यव्यापी बेमुद्दत अनशन को लेकर परभणी जिले के तमाम कामगारों ने और यहां के कंडक्टर, ड्राइवर, सभी कर्मचारियों ने, एसटी महामंडल के सभी विभाग के कर्मचारियों ने अनशन पुकारा है, जिसके कारण आज पूरी तरीके से लाल परी बंद रही। और लाल परी बंद रहने के कारण यहां के यातायात बंद हो जाने से तमाम नागरिकों की परेशानियों को सामना करना पड़ा, यात्रियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के तहत एसटी कामगारों का संयुक्त कृति समिति के कामगारों ने अपने विविध मांगों के लिए राज्यव्यापी बेमुद्दत अनशन शुरू किया है। इसके तहत परभणी में भी एसटी कामगार और यहाँ के कंडक्टर, ड्राइवर, तमाम कर्मचारी 27 तारीख से अनशन पर बैठे हैं, जिसमें महंगाई भत्ता 28% दिया जाए, सालाना वेतन बढ़ोतरी 2% के बजाय 3% की जाए, घर किराया 7, 14, 21 के बजाय 8, 16, 24 मिलना चाहिए, दरमहा नियमित तनख्वाह ठहरे हुए तारीख पर दी जाए, त्योहार को उठाई जाने वाली रकम सरकारी कर्मचारियों की तरह ही 12,500 रुपए दी जाए, महंगाई भत्ता, घर का भत्ता, सालाना तनख्वाह, बढ़ोतरी दरों के रुकी हुई रकम एक रकमी दिवाली से पहले दी जाए। इन सभी मांगों को लेकर महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडल के संयुक्त कृति समिति के तहत कर्मचारियों ने राज्यव्यापी बेमुद्दत अनशन जारी किया है, जिसका दूसरा दिन आज परभणी शहर में दिखाई दिया, जहां पर लाल परी यानी की बस पूरी तरीके से बंद दिखाई दिए। यहां के कंडक्टर, ड्राइवर भी इस आंदोलन में शामिल हुए।
हुए और अनशन में बैठ गए, जिसके कारण यात्रियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एसटी कर्मचारियों के प्रमुख मांगों को लेकर आज एसटी कर्मचारियों के यहाँ के कामगार का और एसटी महामंडल के ड्राइवर कंडक्टर सभी ने यहाँ पर परभनी शहर के आगर प्रमुखों ने सभी ने कामगारों ने जो तो संप पुकारा है, बेमुद्दा संप पुकारा है। इनकी मांगे क्या है आइए हम उनसे जानते हैं कि उन्होंने क्या कहना है और उनकी प्रमुख मांग क्या है। आज जो यात्रियों की जो कठिनाई हो रही है, परेशानियां हो रही है, इसका फ़ायदा यहाँ के खानगी जो गाड़ियां हैं वो उठा रहे हैं। आज आने के पौने उनसे पैसे लिए जा रहे हैं, वसूले किए जा रहे हैं और यात्रियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आज इन कामगारों से मिलते हैं, इनके प्रमुख मांगे क्या है आइए जानते हैं। कालपासून जे काही उपोषण चालू केलेले आहे त्याच्यामध्ये आमची नवीन काहीच मागणी नाही। मागणी म्हणजे जे काही राज्य शासनाला डीए दिला जातो त्याप्रमाणे आम्हाला सुद्धा 28% दिला जा डीए दिला जावा। आज आम्हाला 12% डीए दिला जातो आणि वार्षिक वेतनवाढ आहे जे राज्य शासनाला दरवर्षी 3% जे काही वेतनवाढ केली जाते बेसिकच्या, तर सध्या आम्हाला 2% दिली जाते। त्याऐवजी आम्हाला सुद्धा त्यांच्याप्रमाणे 3% दिली पाहिजे। हे घरवाढ आहे, आज आम्हाला 7, 14, 21 दिलं जातं, ते राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणेच आम्हाला 8, 16 आणि 24 दिलं पाहिजे। आणि दिवाळीला जे काही आम्हाला बोनस दिलं जातं ते आम्हाला फक्त 2500 रुपये दिलं जातं। हे 2500 राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्याप्रमाणे 15000 दिलं पाहिजे। ह्या मागण्या म्हणजे आमच्या हक्काच्या आहेत आणि जे काय आहे ते आम्ही काही अपेक्षेपेक्षा जास्त मागत नाही आहेत। ह्या गोष्टी सरकारला देणं आज ना उद्या 100% देणं अपेक्षित आहे, परंतु आज जे काही महागाई वाढली त्या महागाईमुळं जे आमचा पगार आहे ते खूप कमी आहे। या गोष्टीमुळं आम्ही जे मागण्या केल्या ते राज्य सरकारनं एसटी प्रशासनानं मंजूर कराव्यात, एवढीच एसटी कर्मचाऱ्याची अपेक्षा आहे। त्योहार के दिन आहे और त्योहार के मौसम में आपने जो तो ये एकदम संप पुकारा है, बेमुद्दा संप पुकारा है। अब दीपावली के इसमें कुछ लोग जो है तो अभी हमको यहाँ पर मिले कुछ यात्री, उन्होंने ये बताया कि डिलीवरी के पेशेंट है उनके पास, यानी कि कुछ दिनों में उनके बहनों के किसी के घर के बच्ची की डिलीवरी के पेशेंट ऐसे ऐसी हालत में आपने बेमुद्दत पकड़ा, इसमें आपको ये नहीं मालूम होता है कि त्यौहार के दौरान में ये हालत क्यों आई? खरतर साहब मला सांगायचं हे आमचा संप नाही, हां मुळामध्ये हे आम्ही उपोषण पुकारलेलं आहे आणि यामध्ये जे काही कर्मचारी आहेत त्या आगारातील सर्व संघटनेची कृती समिती करून सर्व कामगारांनी आमच्या उपोषणाला पाठिंबा दिलेला आहे। कुठंतरी कामगाराच्या भावना तीव्र आहेत, या गोष्टीची प्रशासनाने दखल घेतली पाहिजे। आम्हाला सुद्धा वाटतं की प्रवाशांना कुठं त्रास होऊ नये, परंतु कामगाराच्या भावनेचा सुद्धा कुठंतरी विचार केला पाहिजे। आज आमच्या एसटीच्या 27 कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केली, त्या कर्मचाऱ्याच्या आत्महत्येचा विचारसुद्धा कुठंतरी प्रशासनानं केला पाहिजे, कारण आमच्या मागण्या कुठल्या चुकीच्या नाही आहेत किंवा कुठल्या अपेक्षेपेक्षा जास्त नाही आहेत। जे आमचं हक्काचं आहे तेच आम्ही मागत आहोत। आपण जे म्हणता प्रवासी वर्गाचे हाल होत आहेत, आम्ही त्या प्रवासी वर्गाचे माफी मागतोत, परंतु आमच्या ज्या भावना आहेत त्यासुद्धा प्रवाशांना माहिती आहे आणि तुम्हाला मीडियाला सगळ्यांना माहिती आहे की आम्ही तुटपुंच्या पगारात आमचे घर कसं भागवतो। आज आमच्या 27 घर आत्महत्या झाल्या, कर्मचाऱ्यापैकी 27 बायांचे कुंकू पुसले गेले, तसेच आणखी काही होणे शक्यता आहे। आता जर दिवाळीत आणखी तुमचे आमची पगारवाढ झाली नाही तर बरेच जण असे आहेत की जीवाला वैतागलेले आहेत, रोज मरण्यापेक्षा एक दिवस मिळेलं चांगलं अशी लोकांची भावना झालेली आहे। त्याच्यामुळं लोक टोकाची भूमिका घेत आहेत आणि शासनाने कुठंतरी याचा विचार केला पाहिजे की आमच्या काही जास्त मागण्या नाहीत आणि ज्या आहेत त्या रास्त मागण्यात काही आम्ही जास्त मागत नाही आहेत की आम्हाला लईच मोठं द्या। फक्त आम्हाला महाराष्ट्र शासनाप्रमाणे राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना जसं 28% महागाई भत्ता असतो तोच आम्हाला पाहिजे। आम्ही काही जास्त 30-40 मागत नाही आहेत, आम्ही आमच्या हक्काचंच मागत आहे। आणि ज्या प्रवाशांचे हाल होते त्यांच्या आम्ही सगळ्यांची माफी मागतोत, पण त्यांनीसुद्धा आम्हाला सहकार्य करावं हीच भावना आमची आहे। जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही हे असं चालू देणार। संयुक्त कृती समितीचे म्हणजे संयुक्त कृती समिती सगळे कामगार एकत्र आले आणि हे उपोषण आम्ही उपोषणाला बसलो आहेत। आखा महाराष्ट्र पेटून उठला, एसटीचा कर्मचारी त्रासून गेला, कारण आतापर्यंत इतिहासातली पहिली घटना आहे की 26 कर्मचाऱ्याची आत्महत्या झाली तरी प्रशासनाला त्याची जाग येत नाही। 26 लोकांचे आज कुटुंब रस्त्यावर आले, त्यांना कुठला आधार नाही पगारीमुळे। आता याच्यामध्ये आपलं वेतनवाढ आहे, डी आहे, घरभाडं आहे, हे तर आमच्या हक्काचंच आहे, हे तर त्याला द्यावंच लागतंय, शासनाला हे चुकत नाही। तरी या 28% डी आहे जे केंद्राला लागू झालं ते राज्य शासनाला लागू
होतो। आतापर्यंत त्यांनी म्हणजे साध्या या छोट्या छोट्या गोष्टी कर्मचाऱ्याला हे देऊ शकत नाही सरकार, तर मग हे शोकांतिक आहे। दुसरी गोष्ट म्हणजे आम्हाला शासनामध्ये विलनीकरण केलंच पाहिजे, कारण आमचा रास्त मुद्दा आहे। जोपर्यंत विलनीकरण महाराष्ट्र शासनामध्ये आम्हाला करणार नाहीत तोपर्यंत आमचं असंच उपोषण चालू राहणार आहे। स्थिती बेकार आहे, कारण यांच्याकडे डिझेलला पैसा नसतो, दिवस दिवस कर्मचारी ताटकळून बसतो, दिवसभर थांबून संध्याकाळी घरी जावं लागते। म्हणजे हे मशीन नाहीत, समजा अशा छोट्या मोठ्या हे जाचकाटी आमच्या तर दूर होतील शासनात विलनीकरण झाल्यामुळं, कारण एवढं म्हणजे कर्मचाऱ्यांनी करायचं काय? का एसटीचा कर्मचारी पाप केला का? एसटी मध्ये नोकरी करून आज अत्यावश्यक सेवेमध्ये कर्मचारी म्हणून महाराष्ट्र शासन म्हणून म्हणतो आपण अत्यावश्यक देतो, पुरा महाराष्ट्र आपल्या एसटीवर अवलंबून आहे। तुमच्या शाळा आहेत, जर एसटी खेड्यापाड्याने गेलीच नाही तर आज शिक्षण मुलीचं झालं नसतं, खेड्यापाड्यामध्ये जावं लागतंय। आणि ऊन असो, पाऊस असो, वारा असो, घरातलं कोणी मेलं तर बी एसटीचा कर्मचारी तिथं कोणत्याही रात्री बेरात्री कामाला येतो। म्हणजे एवढं अत्यावश्यक तुम्ही इकडे म्हणता अत्यावश्यक सेवा, अत्यावश्यक व्हा, अत्यावश्यक सेवेचा तुम्ही मोबदला देत नाही, त्याचा मोबदला काय आहे? हे प्रशासनाला कुठेतरी डोळे त्यांचे उघडले पाहिजे। आज एसटी कर्मचारियों को किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हमने उनके जबानी सुना है, और हम ये बात बताना चाह रहे हैं राज्य शासन को भी। जिस समय कोरोना काल था और कोरोना की महामारी चल रही थी, उस समय एसटी महामंडल ने लाखों रुपये का उत्पन्न इनकम करा के दिया, इसके बावजूद ये कर्मचारियों को आज ये नौबत आ रही है कि उनके अपने हक के मांगों को लेकर अनशन करना पड़ रहा है। इस बात को लेकर जो आज उनके यहाँ से हम मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद जब जाना उनसे तो उन्होंने ये बताया, एक अफसोसनाक बात है। प्रशासन को भी ये सोचना चाहिए कि इनके आज कर्मचारी 27 कर्मचारियों ने आत्महत्या की है, ये किस कगार पर आ चुके हैं, और उनका कहना है कि आगे भी कुछ कर्मचारी इसी कगार पर जुड़े हुए हैं। इस बात को तुरंत जो है तो गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने और यहाँ के राज्य शासन ने तुरंत इनके मांगों को पूरी तरह से करने चाहिए, ऐसी मांग उनकी तरफ से की जा रही है। अब ये प्रशासन इनको किस समय उठाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा। हमारे न्यूज आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं इसके लिए लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।